वहीं ये भी रिसर्च चल रही है कि क्या कुत्तों की मदद से COVID-19 महामारी का, इस वायरस का पता लगाया जा सकता है। अमेरिका में वैज्ञानिकों का दावा है कि कुत्तों की मदद से इस वायरस का पता लगाया जा सकता है और इसीलिए वहां पर कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हर देश किसी न किसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। कई देशों में इसकी वैक्सीन भी तैयार की जा रही है, तो वहीं वैक्सीन के ट्रायल भी शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचा दी है कि इस पर जल्द से जल्द काबू पाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी के चलते अमेरिका से एक नई खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की पहचान कुत्तों के जरिए की जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की लार और मूत्र के नमूनों को सूंघकर COVID-19 बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इस महामारी का पता लगाने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम में गंध पहचानने की क्षमता वाले कुत्तों का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जाएगा कि कौन से नमूने COVID-19 बीमारी से ग्रसित मरीजों के हैं और कौन से नहीं। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सूंघकर COVID-19 का पता लगाने में सक्षम कुत्तों का इस्तेमाल अस्पताल या व्यावसायिक इमारतों में किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सूंघकर COVID-19 का पता लगाने में सक्षम कुत्तों का इस्तेमाल अस्पताल या व्यावसायिक इमारतों में किया जा सकता है, जहां बीमारी की जांच करना चुनौतीपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रशिक्षित कुत्तों के जरिए मनुष्यों की आरंभिक जांच करने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू की जा सकती है। आखिर कैसे पता लगाएंगे कुत्ते कोरोना का? COVID-19 का पता लगाने के लिए अनुसंधानकर्ता शुरुआत में 8 कुत्तों के साथ अध्ययन शुरू करेंगे। 3 सप्ताह तक कुत्तों को COVID-19 बीमारी से ग्रसित मनुष्यों की लार और मूत्र की गंध से परिचित कराया जाएगा। इसके बाद उनका परीक्षण किया जाएगा कि वो सूंघकर COVID-19 के मरीजों का पता लगा पाते हैं या नहीं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर सिंथिया ओटो का कहना है कि गंध पहचानने वाले कुत्ते वोलेटाइल ऑर्गेनिक यौगिकों की अल्प मात्रा का सटीकता से पता लगा सकते हैं। इस प्रकार के यौगिक अंडाशय के कैंसर, बैक्टीरिया जनित संक्रमण और नाक के ट्यूमर में पाए जाते हैं। ये यौगिक मनुष्य के रक्त, लार, मूत्र और सांस में भी होते हैं। वैसे तो कुत्तों का इस्तेमाल आज तक किसी भी क्राइम की पहचान करने के लिए किया जाता रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि कुत्तों का प्रयोग किसी महामारी की पहचान करने के लिए किया जाएगा। वैसे अगर वाकई कुत्तों का प्रयोग COVID-19 महामारी की पहचान करने में कारगर साबित होता है, तो वाकई इसके जरिए कोरोना के मरीजों को पहचानना काफी हद तक आसान हो सकता है। आपको बता दें कि कुत्तों में 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं और मनुष्यों में केवल 60 लाख। इसलिए बीमारी का पता लगाने में कुत्ते विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। लेकिन वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोरोना के लक्षण जानवरों में भी पाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या COVID-19 की पहचान करने वाले ये कुत्ते कोरोना जैसी महामारी की चपेट में नहीं आ सकते? और अगर ऐसा होता है तो कुत्तों का इस महामारी की पहचान करना काफी घातक साबित हो सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।